आज हम बनाएंगे आलू और सोयाबीन की झटपट बनने वाली सब्जी। देखिए, सोयाबीन को मैंने भिगो कर रख लिया है और इसके बाद हम इनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। फिर इसके बाद हम आलू छीलकर काट लेंगे। आलू छीलकर काटने के बाद इनको धो लेंगे अच्छी तरह से। धोने के बाद हम एक साइड में रख देंगे। फिर इसके बाद और प्रिपरेशन करेंगे। उसके लिए मैंने हरी मिर्चों को लिया है। हरी मिर्चों को मैं मिक्सी जार में पीस लूँगी। देखिए, अगर आप काट कर डालना चाहते हैं तो वो आप खुद डाल सकते हैं। मैंने मिक्सी जार में हरी मिर्चों को पीस लिया है। उसके बाद हम टमाटर भी ऐड कर लेंगे। टमाटर को देखिए मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। उसके बाद हम प्याज भी काट लेंगे। देखिए, हम ये चीज़ें कर चुके हैं और अब हम काटेंगे प्याज। देखिए, मैंने प्याज भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली है। उसके बाद हम मसाले में डालेंगे हल्दी, धनिया और नमक। ये सब चीज़ें डालकर हम इनको एक साइड में रख देंगे। फिर उसके बाद हम चढ़ाएंगे गैस पर कढ़ाई। कढ़ाई मैंने गैस पर चढ़ा दी है। इसमें हमने सरसों का तेल डाल दिया है। आप किसी भी तरह का ऑयल डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। उसके बाद हमने जीरा डाल दिया। जीरा चटकने लगे तो थोड़ा हींग डाल देंगे। हींग अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालें। फिर उसके बाद ओनियन को देखो गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे अच्छे से। उसके बाद हम सारे मसाले ऐड करेंगे जो हमने मिक्स किए हुए थे। इसको मसालों को ऐड करके हम इसको थोड़ी देर के ढक कर पकाएंगे। देखिए, मैंने ढक कर पका लिया। कितना अच्छा कलर आया इसमें। इसके बाद हम सोयाबीन डाल देंगे। देखिए, मैंने सोयाबीन को डाल दिया है। सोयाबीन भी आप 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कीजिए। उसके बाद आलू डालेंगे। आलू डालने के बाद आप